हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ हैवेल्स कंपनी के 500 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर का। ये एक 3 जार मिक्सर ग्राइंडर है और इसका मॉडल है जेनी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। सबसे पहले देखी जा सकती है हैवेल्स कंपनी की ब्रांडिंग और इसके नीचे इसका मॉडल प्रोवाइड किया गया। ये एक 3 जार मिक्सर ग्राइंडर और इस पर मिलती हमें 2 ईयर्स की वारंटी। इसके मोटर पे 5 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड की गई है। 500 वॉट्स का पावरफुल मोटर यूज़ किया गया है और इस मिक्सर ग्राइंडर की डिज़ाइन कुछ इस तरह की है। इसमें प्रोवाइड किया गया है सिलिकन रबर लिड गैस्केट जो आपके जार को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। और बॉटम में देखी जा सकती है इसकी कुछ फीचर्स, इस डिटेल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3-स्टेप स्पीड कंट्रोल दिया गया है पल्स फंक्शन के साथ एंड बिल्ट इन ओवरलोड प्रोटेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखी जा सकती है इस मिक्सर ग्राइंडर की स्पेसिफिकेशंस। 230 वोल्ट्स इज रिक्वायर्ड टू रन दिस मिक्सर ग्राइंडर और ये 500 वॉट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। इसकी MRP है 4295 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया गया जिस पे कॉन्टैक्ट करके आप इस मिक्सर ग्राइंडर के कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। आइए क्विकली करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं इस मिक्सर ग्राइंडर को क्लोजली। मिक्सर ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे देखी जा सकती है 3 जार्स, साथ में एक मिक्सर ग्राइंडर की यूनिट प्रोवाइड की गई है और यह है इसका यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें। यह हेल्प करेगी इस मिक्सर ग्राइंडर के डिटेल्स को जानने में, इसे कैसे मेंटेन रखना है, कैसे ट्रबल शूट करना है, वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में प्रोवाइड की गई है। वारंटी पेपर पे आप जिस भी डीलर से इसे परचेस करें कंप्लीट डिटेल्स को फिल करवा लें। ये हेल्प करेगी प्रोडक्ट की वारंटी को स्मूथली कवर करने में। सबसे पहले देख सकते हैं 400 ml का चटनी जार प्रोवाइड किया गया है। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी दिख रही है। प्लास्टिक की जार लिड प्रोवाइड की गई है, कुछ इस तरह से इसे ओपन किया जा सकता है। यहाँ पे इसके ब्लेड को देखा जा सकता है। और यह है 800 ml का सेकेंड जार जिसे ड्राई ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये है 3rd जार जिसे लिक्विड जार बोलते हैं और इसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर्स की।
और ये है मिक्सर यूनिट जिसमें 500 वॉट्स का मोटर लगा है और यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर देख सकते हैं। ये है कंट्रोलर नॉब स्पीड की सेटिंग के लिए और 1, 2, 3 की सेटिंग दी गई है। पल्स फंक्शन को कुछ इस तरह से रोटेट करके यूज़ किया जा सकता है। इसे इंस्टेंट मिक्स के लिए यूज़ करते हैं, मूव करके होल्ड करना होता है और उसके बाद आप स्पीड को कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यह इसकी साइड व्यू और एयर वेंट्स को देखा जा सकता है। और यह इस मिक्सर की बॉटम साइड और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर वेंट्स दिए गए हैं, कुछ डिटेल्स दी गई है। अच्छी ग्रिप के लिए आप देख सकते हैं रबर की 4 लेग्स प्रोवाइड की गई है जो किसी भी प्लेन सरफेस पे वैक्यूम से लॉक हो जाती है। और यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्टर की स्विच देखी जा सकती है, आप इसे प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं। जब भी ओवरलोड से ये मशीन बंद हो जाए तो इसे प्रेस कर दें, उसके बाद आप 2 मिनट के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया है, एलईडी इंडिकेटर देख सकते हैं ऑन हो गई है और स्पीड कुछ इस तरह से चेंज की जा सकती है। और आप इसके जार को कुछ इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना होता है लॉक करने के लिए, और उसके बाद आप और सेकेंड जार को चेंज करने के लिए हमेशा मोटर के बंद होने का इंतजार जरूर करें। किसी भी जार को बदलने से पहले हमें मोटर के बंद होने का इंतजार करना होता है। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी दिख रही है और ये एक अच्छा बजट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सेम तरीके से आप अदर जार को भी सेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हैवेल्स कंपनी के 500 वॉट्स जिनी 3 जार मिक्सर ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्स की वीडियो। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए मिक्सर ग्राइंडर के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।